मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो वह लोगों पर विरासत टैक्स लगा देगी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सैम पित्रोदा को लेकर कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो विरासत टैक्स लगा देगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका में यह भी प्रावधान है कि मृत्यु के बाद संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है। भारत की संस्कृति, भारत के जीवन मूल्य में गरीब और किसान पैसे बचाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जा सके। इस परंपरा को कांग्रेस खत्म करना चाहती है। राजीव गांधी ने इसीलिए इसको हटाया होगा ताकि मां की संपत्ति उन्हें मिल जाए। कांग्रेस को यह स्पष्ट करना होगा कि उसके इरादे क्या हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपनी मंशा बताएं। अमेरिका की नहीं है, भारत भारत है। यहाँ किसान हो या इवन गरीबी हो, वो भी अपना पेट काट काट के थोड़े पैसे इसलिए बचाते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद बच्चों को कुछ दे के जाए। लेकिन इस परंपरा को कांग्रेस खत्म करना चाहती है, विरासत टैक्स लगा के। ये टैक्स पहले था लेकिन जनता के दबाव में कांग्रेस ने इसको समाप्त किया था, उस समय जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी नहीं रही थी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।